Alright, hey guys, and what's up everybody? It's Devesh back it again with a fresh video. So, आज हम करवाने वाले हैं कॉमर्स की जो बुक है सेमेस्टर 6 के बच्चों की, जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। तो इसकी यूनिट नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर है 5। तो यूनिट सेकंड का लास्ट चैप्टर है 5th। इससे पहले के चैप्टर नंबर 4, 3rd, 2nd सारी वीडियो डाल रखी है, एक चैप्टर की 2, 3 भाई जितनी भी वीडियो है ना, मैं बना रहा, सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाके डिस्क्रिप्शन में आप सारी चैप्टर वाइज वीडियो एक एक करके देख सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स को परचेज कर सकते हो, हैंड रिटन इजी नोट्स आपको मिलेंगे। तो आइए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज हम करवाने वाले हैं यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 5, मीडिया डिसीजन टाइप्स ऑफ मीडिया। तो हम पहले पढ़ेंगे मीडिया डिसीजन, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मीडिया कि कौन कौन सी टाइप्स की मीडिया होती है, किस किस टाइप से हम एडवर्टीजमेंट अपनी किस किस मीडिया के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर की जो यूनिट है मैंने बताई थी, जैसे आपको इस यूनिट की बाकी जो सारे चैप्टर हैं डाल रखे हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके नीचे आप देख लेना, सारी वीडियो है, सारा चैप्टर कवर करवा रखे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर 5 के अंदर न्यूज़पेपर। तो देखो जो मीडिया है ना, तो मीडिया के सोर्सेज काफी सारे होते हैं। हम अपने टीवी, मतलब कि टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, सेल मोबाइल के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, भाई पूरी मीडिया ही फैली पड़ी है। आप किसी के भी थ्रू अपने प्रोडक्ट की, गुड्स एंड सर्विस की एडवर्टीजमेंट आराम से करवा सकते हो, ठीक है। आपके बुक्स में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो आता है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर एक मीडिया का सोर्सेज है, बहुत अच्छा सोर्सेज होता है न्यूज़पेपर भी। अगर आपको कुछ एडवर्टाइज कराना है, कुछ भी आपको न्यूज़पेपर में दे सकते हो, आर्टिकल हो गया, आपका व्लॉग हो गया, आपकी पोस्ट हो गई, सारी चीजें न्यूज़पेपर में आपकी पोस्ट हो सकती है। अगर आपको उसके लिए भी एडवर्टाइज कराना पड़ेगा, पैसे पे करने पड़ते हैं, फ्री में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे लिखा न्यूज़पेपर, द प्राइमरी रोल ऑफ न्यूज़पेपर इज टू द न्यूज़पेपर्स इज द परमानेंटली डिलीवर्ड, यहाँ पे लिखा है डिटेल्स कवरेज ऑफ द न्यूज एंड द अदर इंफॉर्मेशन। कह रहा है जो पहला मोटिव होता है न्यूज़पेपर का, वो आपकी जो भी खबरें होती हैं उनको देना होता है, उनको डिलीवर्ड करना होता है, और आपकी जो कवरेज न्यूज होती है उनको कवरेज करके होना देना होता है, और बाकी इसके साथ साथ कोई भी अदर इंफॉर्मेशन होती है तो न्यूज़पेपर में वो भी दी जाती है। नीचे उसके बाद लिखा एंड इनकॉर्पोरेटेड इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ द रीडर्स, और ये जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स लगता है रीडर्स को, लिखने वालों को, पढ़ने वालों को। और एक और इंटरेस्टिंग फीचर्स क्या है, आजकल न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट कराना आसान हो गया है। आप न्यूज़पेपर अगर खरीदते होंगे तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर एक टेम्पलेट आता है, हर न्यूज़पेपर में ज्यादातर आता है, नवभारत टाइम्स ले लो, एक टेम्पलेट फ्री में डालते हैं वो लोग, फ्री में नहीं होता, वो एडवर्टीजमेंट के लिए होता है। वो जो एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी है वो बोलती है अपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करो हमारी, हम आपको उसके बदले में क्या करेंगे, पैसे देंगे, सिंपल सी बात है। आगे लिखा है उसके बाद न्यूज़पेपर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेज। देखो न्यूज़पेपर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है डिफरेंट वे में, क्योंकि न्यूज़पेपर एक न्यूज़पेपर तक सीमित नहीं रहता, ठीक है। नीचे उसके बाद मैंने लिखा न्यूज़पेपर, देखो नेशनल न्यूज़पेपर मैंने बताया था इसको तीन कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहली कैटेगरी आती है नेशनल न्यूज़पेपर, दिस न्यूज़पेपर हैव इनड्रेबल कंटेंट विद द नेशनल वाइड अपील सच एज हिंदी, यहाँ पे लिखा है द हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर बोल सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण। देखो काफी सारे न्यूज़पेपर हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा नेशनल न्यूज़पेपर है, मतलब कि जो नेशनल मीडिया को कवरेज करते हैं, ठीक है, और काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें देते हैं, ना कि छोटी मोटी खबरें। उसके अंदर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं न्यूज़पेपर्स के, दैनिक जागरण हो गया, इंडिया टाइम्स हो गया, या वो नवभारत टाइम्स हो गया, तो आपको ऐसे सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। नीचे उसके सेकंड जो टाइप आता है वो आता है डेली न्यूज़पेपर। एक आता है डेली न्यूज़पेपर जिसमें आप अपनी डेली की न्यूज़ देख सकते हो, डेली की कवरेज देख सकते हो। पॉइंट नंबर 3rd आएगा उसका जो वे है स्पेशल ऑडियंस न्यूज़पेपर। देखो स्पेशल ऑडियंस न्यूज़पेपर उन लोगों के लिए होता है, वैसे जनरली अगर मान लो आपको कोई भी मान लो जॉब लेनी है तो एक न्यूज़पेपर आता है स्पेशली जॉब के बारे में बताता है, जिसमें सारी जॉब की पोस्ट के बारे में लिखा रहता है कि आज इस जगह इतनी वैकेंसी खाली है, या फिर अगर आप कोई जगह जाना चाहते हो, या फिर आप किसी चीज़ की मान लो किसी भी क्रिकेटर के बारे में जानना चाहते हो उसकी लाइफ के बारे में, या फिर बोल सकते हो आप क्रिकेटर की बायोग्राफी, या टेस्ट मैच के बारे में जानना चाहते हो, जनरल नॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, तो सबके लिए एक एडवांस न्यूज़पेपर बनाए जाते हैं जो कि स्पेशल ऑडियंस की डिमांड पे होते हैं, ठीक है।
फ्रेंड्स, तो उसके नीचे जो टॉपिक है हमारा, देखो हमारे ये हो गए पूरे कंप्लीट। अब उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एडवर्टाइजिंग होती है न्यूज़पेपर में वो कौन कौन सी टाइप से होती है। पहला यहाँ पे मैंने लिखा है क्लासिफाइड, दूसरी आती है यहाँ पे डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, मतलब कि डबल डबल बार उसको छापा जाता है एड्स को। तीसरी आती है यहाँ पे स्पेशल इंसर्ट, मतलब कि उसके लिए एक स्पेशल बॉक्स या स्पेशल कॉलम में उस एडवर्टाइज को दिखाया जाता है। उसके बाद आता है प्री प्रिंट एड्स, मतलब कि एड्स से पहले ही आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखा दी जाती है। ठीक है, तो ये चार टाइप्स की एडवर्टाइजिंग है जो मैंने आपको बताया। अब जो इसके बाद कॉन्सेप्ट आने वाला है ना, देखो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के जितने भी टाइप्स होते हैं ना वो मैं सारे आपको एक एक करके बताऊंगा, उसके एडवांटेजेस लिमिटेशन, एडवांटेजेस और लिमिटेशन, एडवांटेजेस और लिमिटेशन, बस यही आने वाला है। तो एडवांटेजेस लिमिटेशन इतने हैं कि मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो कम से कम 6 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो देखो इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बस आपको पॉइंट बताऊंगा, और ये पॉइंट अगर आपने रट लिए तो मैं गारंटी से कहता हूँ एग्जामिनर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं काटेगा। अगर ये पॉइंट आपको लिखने हैं और इसको याद कर लेते हो तो इसको पॉइंट्स को याद कर लेना, वहाँ पे ब्रीफ में इसके अंदर थोड़ा भी लिख दोगे ना तो बस काम चल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है एडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के सबसे पहले एडवांटेजेस पढ़ेंगे, तो पहला एडवांटेज यहाँ पे पेनिट्रेशन। देखो पेनिट्रेशन जो है इसका फर्स्ट एडवांटेज यहाँ पे बता दिया। सेकेंड आता है रीडर इन्वॉल्वमेंट, किस तरह से रीडर वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। थर्ड आता है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूज़पेपर फ्लेक्सिबल होता है, कहीं भी आप ले जा सकते हो इजीली। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी तो इतनी दिखाई जाती है न्यूज़पेपर में, इतने बड़े से में कभी MS धोनी छाप देंगे, कभी छोटी सी स्पेस में भी। न्यूज़पेपर में क्या होता है, छोटा छोटा स्पेस भी आपको कवर करना होता है, कोई भी उसमें खाली पोर्शन आपको नहीं मिलता देखने को। ठीक है, उसके बाद लिखा है लिमिटेशन ऑफ न्यूज़पेपर एड्स। अब इसकी न्यूज़पेपर एड्स की लिमिटेशन देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो जो मेरे को भी लगता है, पुअर रिप्रोडक्टिव क्वालिटी, मतलब कि जो इसकी क्वालिटी होती है न्यूज़पेपर के पेज की, देखा होगा रफ से होते हैं, काले काले से, ये बहुत बेकार होती है। सेकंड चीज आता है शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, पानी में गिरते ही मर गया। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड क्लटर, और पॉइंट नंबर फोर्थ आता है लिमिटेड सिलेक्टिवली। ठीक है, मतलब कि आप कुछ ही चुनिंदा लोगों को देख सकते हो उसमें, कुछ ही चुनिंदा न्यूज पढ़ सकते हो, कोई ज्यादा ऐसी खास न्यूज कभी कभार आती है क्योंकि रोज इतने ज्यादा खास चीजें नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मैगजीन्स की। तो देखो मैगजीन्स की एडवांटेजेस, फिर हम पढ़ेंगे लिमिटेशन, बस सब में यही है और मैं सबके ही पॉइंट बताऊंगा, बस और कुछ नहीं बताने वाला, इंपॉर्टेंट यही है, पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बस ये याद कर लो, दिमाग में बिठा लेना। मैगजीन की बात करते हैं तो मैगजीन के नाम से ही पता चल जाता है कि मैगजीन की क्वालिटी क्या होगी, मैं डेफिनेशन में भी आपको बताता हुआ चलूंगा। लिखा है मैगजीन आर द मोस्ट स्पेशलिस्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग मीडियम, तो यहाँ पे ये क्या होया, स्पेशलिस्ट। ठीक है, एडवर्टाइजिंग मीडियम अच्छा होता है। उसके बाद लिखा है न्यूमेरियस, यहाँ पे लिखा है न्यूमेरियस मैगजीन्स आर टारगेट टूवर्ड्स स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस, ये किसको करती है, टारगेट ऑडियंस, ये इसकी एडवांटेजेस है। उसके बाद लिखा है मैगजीन्स आर पब्लिश्ड फॉर लाइक इन क्लेम टूडे, कह रहा है मैगजीन्स में वो सारी चीजें लिखी होती है जो घटा जाता है, जो भी आप दिन में देखते हो वो सारी चीजें वहां पे होती है। यहाँ पे क्या होता है, रीडर्स ज्यादा अटेंशन होते हैं और यहाँ पे डाइजेस्टेबल होता है, यहाँ पे आउटलुक ज्यादा अच्छा होता है, कार्टर ऑफ द जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि लोगों के जो समूह है ना उनको ज्यादातर मैगजीन्स को पढ़ने में इजिली कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की। तो देखो एडवांटेजेस ऑफ मैगजीन में लिखा है पहला तो सिलेक्टिविटी, देखो मैंने आपको पहले बताया था काफी ज्यादा सुटेबल है, कहीं भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, इजी होती है। सेकंड आता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन पुअर होता है किसमें, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में रिप्रोडक्शन गुड क्वालिटी की होती है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कहीं भी मरोड़ दो कोई इसमें आपको रिंकल या स्क्रैच देखने को नहीं मिलते। पॉइंट नंबर फोर्थ ब्लीड पेजेस, पेजेस जो होते हैं काफी चिकने स्मूथ होते हैं न्यूज़पेपर के मुकाबले, काफी बिल्कुल मुलायम ऐसा लगा होता है जैसे पन्नी चढ़ा रखी है उसके ऊपर मानो। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो आप इसको उतार लो पहले, तो अभी तक मैंने जो बताया था आपने उतारा होगा। तो उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि लिमिटेशन और एडवांटेजेस ही बताने वाला हूँ, तो पॉइंट्स सारे मैंने लिख डाले जितने भी पॉइंट्स थे आपके बुक में। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ मैगजीन। तो देखो मैगजीन के एडवांटेजेस बता चुका था, अब लिमिटेशंस की बारी है। पहला लिमिटेशन होता है कि मैगजीन में लॉन्ग लीड टाइम, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा के ज़्यादा टाइम कैप्चर कर लेती है। सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे हाई कॉस्ट, मैगजीन की कॉस्ट हाई आती है देन न्यूज़पेपर से, आपको पता ही होगा वो किस वजह से होती है, पेपर भी वैसे ही होते हैं उसके। उसके बाद सी आता है
लिमिटेड रीच एंड फ्रीक्वेंसी। मैगजीन्स की लिमिटेड रीच होती है, कोई ज़्यादा ओवरऑल नहीं होती, मगर न्यूज़पेपर के डिमांड ओवरऑल होती है। इसी तरह से नीचे लिखा मैंने डी, कॉम्पिटिटिव एंड क्लस्टर। ये जो है कॉम्पिटिटिव होती है, कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। न्यूज़पेपर जो है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटर पाए जाते हैं। ठीक है, देखो ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये तो पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ, ये तो रट्टा मार के एग्जाम में यूँ ही लिख देना। बस इसके साथ में जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ मुझसे, उसको आप ट्रांसलेट करके वहाँ पे भी लिख दोगे, उसके ब्रीफ में समझा दोगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद नीचे लिखा रेडियो एडवर्टाइजिंग एडवांटेजेस। अब रेडियो के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो देखो रेडियो में सबसे पहला तो होता है बजट कम आता है। ठीक है, क्या था, सिलेक्टिवली होता है, कॉस्ट इफेंसी होता है, मतलब कि अगर कॉस्ट कम है तो आप बना सकते हो रेडियो एड, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। उसके बाद लिखा है मेंटल इमेजिनरी होता है, रेडियो की एड्स होती है जो मेंटल इमेजिनरी हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते उसको। ठीक है, लिमिटेशन में क्या आती है, ये रेडियो की ही लिमिटेशन है। इसमें लिखा है क्रिएटिव लिमिटेशंस, क्लस्टर्स, उसके बाद यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्लूटर्स के बाद लिखा है यहाँ पे ऑडियंस फ्रेगमेंटेशंस। ठीक है, तो ये तीन मैंने आपको बता दी इसकी लिमिटेशन। नीचे उसके बाद लिखा मैंने टेलीविजन एडवर्टाइजिंग एडवांटेजेस, टेलीविजन पे जो जो एड्स रिलीज होती हैं तो उनके क्या क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो जो पहला एडवांटेज है वो यहाँ पे लिखा मैंने क्रिएटिव और इम्पैक्ट। क्रिएटिव होती है, इम्पैक्ट होती है, एक विजुअल वर्ल्ड का आपको एक्सपीरियंस कराती है। ठीक है, उसके बाद नीचे पॉइंट लिखा है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, पॉइंट नंबर थर्ड कैपेसिटी एंड अटेंशंस, उसका पॉइंट नंबर डी लिखा है यहाँ पे लीस्ट एफर्ट्स, एफर्ट्स यहाँ पे कम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स थे जो आपके मैंने बताए एडवांटेजेस में। अब बात करते हैं इसी की लिमिटेशन की, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट की लिमिटेशन क्या होती है टेलीविजन वाली। तो ये लिमिटेशन है, पहला होता है कॉस्ट ज़्यादा होती है, लैक ऑफ सिलेक्टिविटी होती है, मतलब कि कहीं कहीं लोकेशन शूट नहीं कर सकते, कॉस्ट ज़्यादा आती है, खर्चा ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद लिखा है मैंने यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मैसेज, एक मैसेज जो होता है उसमें नहीं पहुँच पाता अच्छे तरीके से कभी कभार। यहाँ पे क्लटर्स और जिपिंग, ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन द मूवीज एंड टेलीविजन शोज। आपने काफ़ी सारे टेलीविजन शो या मूवी देखे होंगे जिसके बीच में प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, करेक्टर्स या एक्ट्रेस भी कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, मान लो जैसे कि कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है, एग्जांपल ले लो, जेठालाल उसमें होता है, एक करेक्टर दया है, तो जेठालाल ने मान लो कोई हॉर्लिक्स लिया, हॉर्लिक्स खा रहा है, तो वो उसकी एडवर्टीजमेंट भी कर देता है साथ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके एडवांटेज में एक्सपोर होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रीच होती है, रिकॉल होता है और एक्सेप्टेंस होता है। ये चार इसके एडवांटेजेस होती है, आप याद कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। उसमें लिखा है हाई एब्सोल्यूट कॉस्ट, कॉस्ट हाई आती है किसी भी एडवर्टीजमेंट अगर किसी भी एक्टर को पे करनी पड़ती है। टाइम्स ऑफ एक्सप्योर, टाइम देखा जाता है कि देखो ऐसा होता है एक आध घंटे की फिल्म होती है या एक आध घंटे का जो एपिसोड है उसके बीच में कहीं भी आपकी छोटी सी एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, कोई फिक्स टाइम उसका नहीं होता। ठीक है, उसके बाद लिखा है लिमिटेड अप्रूवल होते हैं, अपील यहाँ पे ज़्यादा नहीं ले जाती, मतलब कि ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। सपोज करो तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है, जेठालाल ने एक मान लो हॉर्लिक्स की ऐड कर दी, थोड़ी देर बाद वो घड़ी की ऐड कर रहा है, घड़ी पहन के दिखा रहा है उसकी ऐड कर रहा है, तो इतनी ऐड करने लगेगा तो नाटक कब बनेगा ये तो सोचो। उसके बाद लिखा है नीचे लैक ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए। अब मैं वो पॉइंट आपको छांट के बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर आपको मिल रहे हैं, आपके दिमाग में बैठ चुके होंगे मेरी वीडियो देख देख के इसमें। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले तो देखो फ्रीक्वेंसी, ऐसे ऐसे वर्ड मैं मार्क कर रहा हूँ जो बार बार आ रहे हैं आपके दिमाग में, रट जाएंगे, ये पॉइंट्स आप उठा के लिख दोगे ना तो हो गया काम। एक्सपेंस ये हो गया, उसके बाद आता है लैक ऑफ कंट्रोल, देखो ये भी काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, एक और आया था जिसके बीच में मैंने बताया था, ये रहा क्लूटर, ये आप लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्लूटर जैसे ये आया, लैक ऑफ सिलेक्टिविटी एक ही आ जाता है, और एक आ जाता है कॉस्ट। ठीक है, ये जो मैं वर्क मार्क कर रहा हूँ हाई कॉस्ट, ठीक है, ये बार बार जो वर्ड आते हैं जैसे एरा क्लूटर कंपटीशन, तो ये जो मैंने वर्ड मार्क करे इनको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप दोनों में देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल में बताऊं, देखो यहाँ पर देख लो इस वाले में कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे क्रिएटिव लिखा है और ऊपर वाले में भी क्रिएटिव लिखा है, ये लिमिटेशन है, ये एडवांटेजेस है, देख गया, ये लिमिटेशन में आया और ये एडवांटेजेस में, तो इन वर्ड्स को कॉमन वर्ड बोला जाता है। कॉमन वर्ड ऐसे हैं, चाहे इनको लिमिटेशन में लिख दो चाहे एडवांटेजेस में लिख दो, आपका आंसर ठीक हो जाएगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को अलग अलग याद करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने कुछ कॉमन वर्ड्स छांट के बताए, आप किसी में भी लिख सकते हो, इनको एडवांटेजेस में लिखो चाहे लिमिटेशन में, बस ये 6-7 वर्ड याद कर लो, बस काम खत्म। ठीक है, डिफाइन इनका कैसे करोगे जो मैंने आपको बताया बस वो। अब बात करते हैं इस पॉइंट्स के बाद फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द पर्टिकुलर मीडिया,
अब कौन कौन से पर्टिकुलर मीडिया को इफेक्टिंग करने वाले फैक्टर्स है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर्ड की तरफ देखो, ए पॉइंट है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो नेचर है वो सबसे पहले इफेक्ट करती है, ठीक है। अगर मान लो आप कोई भी एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट करवा रहे हो तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की नेचर देखनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर सेकंड आता है नेचर और साइज ऑफ द, यहाँ पे दे रखा मार्केट, कह रहा है मार्केट के साइज पे डिपेंड करता है आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट किस हिसाब से आप पेमेंट करोगे उसकी। अगर मान लो कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट है तो उसकी पहली बात तो कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, इतना खर्चा लगाना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट पे, कंपनी ऐसा करेगी ही क्यों जब वो छोटा मोटा प्रोडक्ट है। तीसरी चीज आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव मतलब कि एडवर्टाइज क्यों किया जा रहा है उसको, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑडियंस, आपको किस तरह की ऑडियंस मिलने वाली है वो आपको देखना होता है, आपको किस तरह के अपने ऑडियंस को अचीव करना है, टारगेट बनाना है। टाइप्स ऑफ मैसेज, किस टाइप का मैसेज आप पहुंचाते हो, जैसे हॉर्लिक्स है, हॉर्लिक्स कैसे मैसेज पहुंचाता है कि आपकी बोन स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी करेगा, तो ये जो एक मैसेज होता है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है सर्कुलेशन ऑफ मीडिया, मीडिया सर्कुलेशन मतलब कितनी बार आपकी लोगों को दिखाई जाएगी वो एडवर्टीजमेंट, कॉस्ट ऑफ मीडिया और उसी के हिसाब से आपकी कॉस्ट ऑफ मीडिया आती है, मतलब कि एडवर्टीजमेंट की चार्जेस जो भी आपकी कॉस्ट होती है जितनी बार आप सर्कुलेट कराते हो उतने चार्जेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ये आपके पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए फैक्टर इफेक्टिंग द चॉइस ऑफ मीडिया, यहाँ पे ये आपका पूरा चैप्टर हो जाता है खत्म। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको डिफाइन कर दिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है भाई बुक में, चैप्टर में बस पॉइंट ही पॉइंट भरे पड़े, जाके आप देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर किसी को भी नोट्स परचेस करने हैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सअप का कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर भी आपको दिख रहा होगा, आप नोट्स परचेस कर सकते हो। ईजी नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, आप इजिली पढ़ के पास हो सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को भी मेरी वीडियो नहीं पता कैसे देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 लाइन से भाई वीडियो मिलेगी आपको, चिंता मत करो, सारी चैप्टर वाइज लाइन से वीडियो यूनिट डाल रखी, जाके आप सारी एक एक करके देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।